अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इजी कुकिंग विद अंबर। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और यम्मी एग वेजिटेबल बॉल्स, और इसको शाम की चाय के साथ भी ले सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें या नाश्ते में सर्व करें। ज़बरदस्त चीज़ है और सर्दी के मौसम के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो चलें जी, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। इसके बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसे कैसे बनाएंगे। 1 किलो आलू लिए, 6 अंडे अच्छे से बॉयल कर लिए हैं। आलू अच्छे से बॉईल करके मैश कर लेंगे, और अंडे जो हैं इनको भी, 6 अंडे थे, इन्हें भी अच्छे से मैश कर लेंगे और आलू में शामिल कर लेंगे। हरी प्याज की पत्तियां ऐड करेंगे थोड़ी सी, एक कटी हुई गाजर क्यूब की सूरत में ऐड करेंगे। उबले हुए मटर ऐड करेंगे 1 प्याली, और कॉर्नफ्लोर 4 से 5 टेबल स्पून ऐड करें। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून जीरा। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च को ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके डो बना लें, हाथ को ग्रीस करें और थोड़ी सी डो लें और इसके बॉल बनाते जाएं, या किसी भी शेप में आप इसको बना सकते हैं। तो तमाम बॉल हमने रेडी कर लिए हैं और इन्हें डीप फ्राई कर लें। कोई अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा सा गोल्डन कलर आने पर इन्हें निकाल लें और गर्म गर्म चटनी के साथ सर्व करें। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फ्री में आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।